तो हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड या व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे फेक SMS आते हैं और फेक SMS में एक SMS ऐसा भी आता है कि स्पेम का, तो उस SMS को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे और आप चौंक जाते होंगे। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो फर्स्ट नंबर तो उस SMS पर क्लिक ना करें। अगर आपने क्लिक कर लिया तो आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है और आपके पास ऐसे फालतू SMS आते हैं तो उन SMS से आप हो जाते हो तो परेशान। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि इस फालतू SMS से आप कैसे बच सकते हो। तो दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करो। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये टिप्स मैं जो आपको बताऊंगा ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो या अपने लैपटॉप या PC से भी कर सकते हो, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमें अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना है। जैसा कि आप लोगों के सामने मैं अपने क्रोम ब्राउजर पर आ चुका हूं, तो आप लोगों को सर्च करना है यहां पर unroll.me। जैसे ही आप unroll.me क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने बहुत सारे पेज ओपन हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा unroll.me, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने जितने भी आपके मोबाइल में या गूगल ईमेल पर जितने भी फेक SMS होंगे वो आप लोगों के सामने आ चुके हैं। तो इन फेक SMS को आप अपने मोबाइल में नहीं लेना चाहते और इनको डीएक्टिवेट मतलब अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जितने भी आपने गूगल ID पर मतलब जितनी अपने ID बनाई है तो यहाँ पर सारे SMS दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोगों के सामने रोल अप, इनबॉक्स, अनसब्सक्राइब, न्यू, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन SMS फेक SMS से आपको कैसे बचना है? आप लोगों के सामने फेसबुक के सामने एक अनसब्सक्राइब का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मुझे इस पर अनसब्सक्राइब कर देना है। तो इन चीज़ों के आपके जो मोबाइल में जितने भी फेक SMS होंगे उन सब के सामने अनसब्सक्राइब कर देना है। तो इससे आपके मोबाइल में फेक SMS नहीं आएंगे और ना ही आपके पास कोई स्पेम का SMS आएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये आपको सबसे फर्स्ट नंबर काम करना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो unroll.me जो हमने ये एक लिंक जो सर्च किया है ये सिक्योर है कि नहीं, तो दोस्तों इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल एक सिक्योर है। और unroll.me के बारे में YouTube पर भी देख सकते हो, इससे आपको कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। तो अब इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, जो कि हमारे Google ID पर जो हमारा मेल पड़ा हुआ है उसको भी हमें डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करना है, तो चलते हैं अपने Google Chrome पर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों के सामने मैं अपने Google Chrome पर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है Gmail। जैसे ही आप Gmail सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने एक Gmail Google का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ID और पासवर्ड भी को इंटर करना है। तो यहाँ पर आपको अपना ID और पासवर्ड इंटर करना है, तब जाके ये आपका Gmail का अकाउंट खुलेगा। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि मेरे Gmail अकाउंट पर कितने SMS हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी का ऑप्शन दे रखा है और सोशल का और प्रमोशन का ऑप्शन दे रखा है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर कितने SMS है, तो इन SMS को हमको डिलीट करना और इन SMS को आप अपने गूगल Gmail अकाउंट से भी डिलीट कर सकते हो। तो जैसा कि मैं अपने Gmail पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे SMS हैं, तो इन SMS को सबसे पहले हमको डिलीट करना है। तो इस तरीके से आप अपने इन फेक SMS को डिलीट कर सकते हो। अगर ये ट्रिक आपने यूज कर ली तो आपके पास कोई स्पेम का SMS नहीं आएगा और आपके पास फालतू के SMS नहीं आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर जाना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड या व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं हम इससे भी अच्छी वीडियो के बारे में जानने के लिए।